ये है इसका दूसरा स्टिकर जो कि है सनशाइन गोल्ड, और इसकी अगर कॉस्ट की बात की जाए तो करीब करीब ये 900 रुपये के आसपास पड़ जाती है। तो रेड वाला वेरिएंट वहीं पर जहां 1100 रुपये का था, ये करीब 900 रुपये का कॉस्ट करता है आपको, और प्लस में आपको 375 रुपये इस 3D लोगो के भी देने पड़ेंगे जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। सनशाइन गोल्ड वाला स्टिकर जो है वो अब हमारे इस ब्लैक वाले वेरिएंट पर इंस्टॉल होने जा रहा है, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया था कि इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये इसमें इंस्टॉल हो जाया करता है। तो पहले हम लोग इसमें वाइज़र का जो स्टिकर है वही वाला इंस्टॉल कर ले रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा ईजी पड़ जाता है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सनशाइन गोल्ड का जो वाइज़र का स्टिकर है वो आपको इंस्टॉल करके दे दिया जाता है। बाद में हमें इस वाली पन्नी को उतारना होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली पन्नी। तो स्टिकर हमारा इसके नीचे है। अब इसके बाद हमारा जो टैंक पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो स्टिकर है वो इंस्टॉल होने जा रहा है, जो कि काफ़ी बल्कि है, बड़ा है, और हीरो के विनाइल स्टिकर को लगभग जो है कवर करता है ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो यहाँ पर हमारा जो स्टिकर के ऊपर जो एप्लीकेबल हो स्टिकर होता है वो निकाल दिया गया है, जो कि थोड़ा मैट फिनिश में आता है। बाकी स्टिकर की फिनिशिंग आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि कहीं पर कोई भी बबल इंस्टॉल ना हो जाए गलती से। बाकी यहाँ पर आपने देखा है कि 3D का लोगो कंपनी लगा के आता है, और i3s का जो स्टिकर है वो भी लग करके शोरूम से आता है कंपनी से, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एक स्टिकर भाई साहब वहाँ लगा रहे हैं, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट जो स्टिकर है वो कुछ यहाँ पर ऐसे इंस्टॉल हो जाता है। सो लोगों को लगता है कि वो कंपनी से प्लांट से ही लगी लगाए स्टिकर बाइक आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसका शोरूम पर ही उसकी कॉस्ट को अदा करते हो, तब जा करके उस स्टिकर को अपने घर पर ले करके जाते हो। तो आइए फिर इसके टैंक के राइट हैंड साइड का जो स्टिकर है वो भी अप्लाई होते हुए देख लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी एक खांचा बना होता है, जो कि अंदर जाके फिट हो जाता है साइड पैनल के पास, जो कि आप वो देख रहे हो अंदर। इसकी वजह से आपको मालूम पड़ जाता है कि ये स्टिकर जाकर के फिट कहाँ पर होना है, आपसे गलती जा करके भी नहीं हो सकती है। बस आपके हाथ में सफाई होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो स्टिकर है वो टोटली स्क्रैप हो जाएगा। और इस स्क्रैप की जो कीमत है वो मैं आपको दिखा दिया कि करीब 900 रुपये है। तो कुछ इस तरीके से ये इंस्टॉल होता है। बहुत से लोग वाइपर का यूज़ करते हैं, बहुत से लोग अंगूठे का यूज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल से वाइपर उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपको उसमें फ़ील नहीं आता कि स्टिकर में कहीं कोई बबल है कि नहीं है। लेकिन अंगूठे से यहाँ से लगाने के टाइम पर आपको उसी वक्त फ़ील हो जाता है कि गलत लग रहा है या फिर सही लग रहा है। तो ऑल ओवर अगर इस बाइक का लुक देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये रहा वो एप्लीकेबल वाला स्टिकर, जो कि बाद में निकालना ही निकालना है। आइए फिर इसमें देख लेते हैं इसमें 3D का लोगो कि किस तरीके से इंस्टॉल होता है। वैसे इसे लगाना कंपलसरी तो नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी 3D का लोगो कुछ इस तरीके से उसी विनाइल स्टिकर के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है। बाद में इसे निकाल करके आपको अच्छा फील होता है। तो ये रहा हमारा 3D का लोगो। हाँ ये गाड़ी अब महंगी हो गई, 375 रुपये महंगी हो गई। लेकिन ये अब अच्छी लग रही है इसकी वजह से, ये भरा भरा लग रहा है अब। चलो डिस्प्ले मारो गाड़ी, लो आगे लो।
सो फाइनली जो बाइक का लुक है वो कुछ ऐसा। सो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट देना, वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो, तब तक यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक का। बाय बाय।